रेलवे मंत्रालय को सुझाव है कि ग्रुप डी का जो एग्जाम है जिसमें मोर देन 1,25,00,000 स्टूडेंट्स आर देयर, पहले एक एग्जाम अनाउंस किया गया था, ऑल ऑफ अ सडन ऑन 24 जनवरी इट वॉज अनाउंस दैट देयर विल बी टू एग्जाम। तो मेरा आग्रह है कि एक एग्जाम ग्रुप डी का होना चाहिए, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ टू एग्जाम, दे आर नॉट IAS और IPS एग्जाम 10th क्लास के लड़के। इससे पहला डिमांड ये है कि ग्रुप डी के लिए इंस्टेड ऑफ टू एग्जाम देयर शुड बी वन एग्जाम एंड वाज अनाउंस अर्लियर। एंड एज फार एज एक मिनट रिगार्डिंग NTPC, जो 35,000 सीट्स हैं उसके 3.5 लाख रिजल्ट और अनाउंस किया जाना चाहिए, वन स्टूडेंट वन रिजल्ट, एक स्टूडेंट का 3 जगह नाम है। तो इसलिए जो 7 लाख रिजल्ट अनाउंस किया है इट इज एक्चुअली ओनली 3,50,000। सो आई अपील द रेलवे मिनिस्ट्री टू अनाउंस अनदर 3,50,000 रिजल्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स सो दे कैन अपीयर इन द एग्जाम। इसलिए मेरा आग्रह है कि कमिटी की रिपोर्ट का बिना इंतजार किए ये जो 2 डिमांड है, ग्रुप डी का एक एग्जाम एंड मैं सिर्फ इतना कहना कि ये जो छात्रों का जो आक्रोश था सर, उसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि जो रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा परीक्षा कराई गई, पहले तो निकाला गया, भर्ती निकाली गई, परीक्षा बहुत विलंब से कराई गई और जो रिजल्ट आया है मान्यवर, वो जरूर माननीय मंत्री जी को उसकी जांच करानी चाहिए। एक एक रोल नंबर कई कई बार रिपीट होकर रिजल्ट निकला सर, इससे ज्यादा गड़बड़ी तो कुछ हो ही नहीं सकती रेलवे भर्ती बोर्ड में। तो इसलिए मान्यवर उनके साथ दुश्मनों की तरह व्यवहार न किया जाए। प्रयागराज में उनपे लाठीचार्ज हुआ, पटना में लाठीचार्ज हुआ और सर वो दृश्य आप देखेंगे तो आप रो देंगे सर। उनको उनको घरों में घुस के मारा गया, उनको घरों में घुस घुस के लाठियों से पीटा गया सर। और मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हमारे देश के नौजवानों की समस्या को, छात्रों की समस्या को सुनने के बजाय सरकारें अगर उनसे लाठी और मुकदमों से निपटेंगी तो काम नहीं चलेगा। 1,000 लोगों पे FIR हुई सर, 1,000 छात्रों पे FIR हुई है। रविंद्र कुमार वापस होनी चाहिए।